नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, टाटा सन्स के चेयरमैन का औपचारिक ऐलान हो चुका है। एन चंद्रशेखरन नए चेयरमैन होंगे टाटा सन्स के। औपचारिक ऐलान अब कंपनी कर चुकी है। इससे पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS के CEO रह चुके हैं और अच्छा कार्यकाल उनका रहा। 6 अक्टूबर 2009 को उन्होंने TCS के CEO पद पर ज्वाइन किया था और उससे पहले TCS के लिए ही वो COO के पद पर थे, यानी एक अच्छा उनका काम रहा और इस फैक्टर के चलते भी उनका चुनाव किया गया है। ये पहले नॉन पारसी चेयरमैन है जो टाटा सन्स के चेयरमैन का कार्यभार संभालेंगे। 21 फरवरी से उनको ये कार्यभार संभालना होगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजेश सिंह भी मौजूद है। राजेश, ये अपने आप में ही काफ़ी ऐतिहासिक है, क्योंकि अगर हिस्ट्री देखी जाए टाटा सन्स की, जो सबसे बड़ा एक कॉरपोरेट हाउस है, पहली बार कोई नॉन पारसी इस पद पर बैठेगा। बिल्कुल, पहली बार कोई नॉन पारसी इस पद पर बैठा है और पहली बार एक ट्राइड एंड ट्रस्टेड, जो कि अगर आप देखिए तो TCS में वो पिछले लगभग 30 सालों से हैं और टाटा ग्रुप में, और TCS को भी वो पिछले कई सालों से हैंडल कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं, तो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है। और जैसा कि हमने कई जानकारों से बात की, सबका ये मानना है कि उनसे अच्छा बेस्ट सूटेड पर्सन अभी कोई हो नहीं सकता है, चाहे वो टाटा ट्रस्ट के VR मेहता हो या फिर जो मार्केट के लोग हैं। सबका ये मानना है कि अब ये अनसर्टेनिटी जो है टाटा ग्रुप पे, जो अभी तक चल रही थी टाटा सन्स पे, वो ख़त्म हो जाएगी और ये टाटा ग्रुप की सारी कंपनियों के लिए अच्छा होगा, जिसका असर शायद कल मार्केट्स में हमें देखने को मिलेगा। इनफैक्ट राजेश, देखा जाए तो TCS फ्लैगशिप कंपनी है टाटा ग्रुप की, और अगर एन चंद्रशेखर की बात करें तो मोरलेस ये IT बैकग्राउंड से हैं, लेकिन टाटा सन्स एज अ ग्रुप एक बहुत बड़ा डाइवर्सिफाइड ग्रुप है, तो इनके सामने चैलेंजेस क्या देखते हैं आप? सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौतियाँ क्या होंगी चंद्रशेखर के सामने? बिल्कुल, देखिए, एन चंद्रशेखर का सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि अभी जो टाटा सन्स का बोर्ड है वहाँ पे कुछ डिफरेंसेस थे। कुछ इंडिपेंडेंट जो बोर्ड मेंबर्स थे वो सारस मिस्त्री का पक्ष ले रहे थे, तो सबसे पहले उन्हें बोर्ड में एक कंसेंसस बनाना होगा नए लीडर को एक्सेप्ट करने के लिए। और जैसा कि अभी अनाउंसमेंट हुआ, उसमें कहा गया कि सर्वसम्मति से एन चंद्रशेखर को नया चेयरमैन चुना गया है। दूसरी तरफ उन्हें लीडरशिप की एबिलिटी है उनमें, वो TCS को लीड कर रहे हैं और TCS को काफ़ी अच्छा लीड किया है। TCS आज दुनिया की बड़ी कंपनियों में से, IT कंपनियों में से एक बन गई है और इंडिया की तो सबसे बड़ी बन ही गई है। तो आप देखिए, उनके पास लीडरशिप क्वालिटी है, वो लीड कर चुके हैं, ग्रुप को अंदर बाहर हर तरह से वो जानते हैं, TCS में रहते हुए काम कर चुके हैं, पिछले लगभग 30 सालों से ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो इन सब का एडवांटेज उन्हें मिलेगा और वो टाटा सन्स को एक अच्छे, शायद हमारी समझ से उससे अच्छा लीडर अभी कोई नहीं मिल सकता है अगर आप देखें तो। और दूसरी तरफ रतन टाटा जो है वो शायद एमिरेटस के रूप में काम करते रहेंगे, वो एक एडवाइस उन्हें देते रहेंगे जैसा कि पहले भी देते रहेंगे, लेकिन जो दिक्कतें कोर्ट्स में चल रही हैं, लीगल बैटल्स जो चलेंगी वो चलती रहेंगी और वो जैसा आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। तो जो 5 मेंबर्स का पैनल था, उन्होंने सर्वसम्मति से चुनाव किया है नए चेयरमैन का। इम्तियाज कुरैशी मार्केट एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज, इनफैक्ट इन्वेस्टर्स के लिए तो ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जो कंफ्यूजन था चेयरमैन पद को लेकर वो अब क्लियर हो गया है, तो स्टॉक्स पर कल किस तरह का रिएक्शन देख रहे हैं आप? देखिए, काफ़ी चीज़ अच्छी हुई है फिलहाल टाटा का ग्रुप के लिए, एंटायर ग्रुप के लिए। एक तो जो चेयरमैन अपॉइंट हो गया, मेरे ख्याल से वहाँ से कंपनी के डेवलपमेंट अच्छे खासे यहाँ पे नजर आएंगे। उनके बाद जो हिसाब से पूरे एंटायर टाटा ग्रुप में जो मोमेंटम बने हुए हैं बाइंग के, मेरे ख्याल से कल काफी अच्छे मोमेंटम देखने मिलने चाहिए। मेरे से ईच एंड एवरी स्टॉक, अगर हम बात करें टाटा कम्युनिकेशन, टाटा केमिकल, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, इन सभी में मेरे ख्याल से अच्छा एक रुझान देखने मिलेगा ऊपर की तरफ। तो शेयर्स पर भी इसका रिएक्शन होगा और आई थिंक मार्केट भी इसको शेयर करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर कंफ्यूजन था कि नया चेयरमैन कौन होगा। रतन टाटा को बतौर इंटरिम चेयरमैन चुना गया था और अब हो सकता है कि चेयरमैन एमरेटस के तौर पर रतन टाटा वापस उस कारोबार को संभालें। एन चंद्रशेखर 21 फरवरी से अपने इस चेयरमैन पद पर बैठेंगे। इनकी अगुवाई में TCS की कुल आय में भी एक शानदार इजाफा देखने को मिला था मिस्त्री के जाने के बाद। रतन टाटा को बतौर इंटरिम चेयरमैन चुना गया था। अगर एक लाइटर नोट पर बात करें तो एन चंद्रशेखरन फिटनेस फ्रीक माने जाते हैं और ये डेली रन भी करते हैं, तो देखना होगा कि टाटा सन्स की जो बाकी कंपनियां हैं उनकी सेहत में किस तरह का सुधार होगा। राजेश जी, जैसे आपने पहले भी कहा कि चैलेंजेस कई होंगे इनके सामने, और TCS क्योंकि सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है आज के समय में, लेकिन कई और कंपनी है टाटा ग्रुप की जो थोड़ा मुश्किल दौर से गुजर रही है। इसमें टाटा पावर भी है और सारस मिस्त्री ने भी अपने निकाले जाने के बाद कई आरोप लगाए थे टाटा पावर को लेकर, साथ ही टाटा मोटर्स को लेकर और उसके यूरोप कारोबार पर। तो जो बाकी कंपनीज हैं जिनको लेकर विवाद शुरू हुआ और जिनके नाम सामने आए, उन सभी चीजों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन जहां तक इनका एक्सपीरियंस का सवाल है, मोरओवर ये IT बैकग्राउंड से हैं, तो आपको क्या लगता है किस तरह से सारी प्रॉब्लम्स को ये सॉर्ट आउट करेंगे?
देखिए बिल्कुल ये आईटी बैकग्राउंड के हैं कि लीडरशिप की क्वालिटी जो होती है वो इनके पास है, ये लीडर के रूप में अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। और जो चैलेंजेज है जैसा कि हमने कहा टाटा पावर में या जो टाटा मोटर्स में, वो अपनी जगह है, उन्हें वो धीरे धीरे खुद सॉर्ट आउट एज ए लीडर ये करेंगे। दूसरी जो चैलेंजेज है कि चाहे आप टाटा डोकोमो की बात करें, टाटा टेली का जो डील था वो एक बड़ा चैलेंज है, उनको इन्हें दूर करना होगा। जो कुछ एलिगेशंस जो इन पे लगे हैं, सारस मिस्त्री ने लगाए हैं कि ये जो एयरलाइंस बिजनेस इनका है उसमें जो एलिगेशंस लगाए गए हैं कि वहां पे, तो ये सारी चीजें कोर्ट में ऑलरेडी आ चुकी हैं और कोर्ट इन पे आखिरी फैसला देगा। ये कोर्ट में साइड बाय साइड चलता रहेगा। दूसरी तरफ इनके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बाकी जो ग्रुप है उसमें सिनर्जी कैसे बने, बोर्ड में एक रूपता कैसे आए, बोर्ड डिसीजंस कैसे ले और उसको इंप्लीमेंट करें। अभी तक जैसा कि खबरें निकल कर आई है कि 2012 से जब से सारस मिस्त्री बने उसके बाद से अभी तक बीच में काफी डिफरेंसेस थे बोर्ड में और डिसीजंस लेने में भी दिक्कत होती थी और जो एलिगेशंस लगा के सारस मिस्त्री को हटाया गया था वो भी एक इशू था। तो अब चूंकि एक सर्वसम्मति से एक नए चेयरमैन का चुनाव हुआ है तो ये शायद सही फैसला सही टाइम पे ले सके। तो चैलेंजेस कई होंगे लेकिन जो एक्सपीरियंस है इनका, क्योंकि काफी लंबे समय से इस ग्रुप के साथ भी जुड़े हुए हैं, 1987 में इनफैक्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर के तौर पर टीसीएस से जुड़े थे एन चंद्रशेखरन, उसके बाद कई पदों पे ये पहले काम कर चुके हैं, टीसीएस के सीईओ रह चुके हैं और उसके बाद सीईओ के तौर पर अभी तक ये कार्यरत थे, लेकिन अब कार्यभार संभालना होगा इन्हें नए चेयरमैन का जो 21 फरवरी से इफेक्टिव होगा। इम्तियाज एक रिएक्शन आपसे भी चाहेंगे, नंबर्स भी आए थे आज टीसीएस के और उसके बाद ये बोर्ड बैठक भी जिसके बाद अब ये फैसला सबके सामने के औपचारिक ऐलान हो चुका है, नंबर्स पर भी क्विक रिएक्शन आपका चाहेंगे, नंबर्स अच्छे ही रहे हैं और अगर ओवरऑल इनका समय देखा जाए जिस दौरान एन चंद्रशेखर सीईओ के तौर पर रहे टीसीएस के, तो नंबर्स में एक अच्छा इजाफा देखने को, नॉट जस्ट स्टॉक प्राइस लेकिन रेवेन्यू फ्रंट पर भी, मुनाफे फ्रंट पर भी कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं यहाँ पे कि टीसीएस ने काफी अच्छे रिजल्ट यहाँ पे दिए हैं और जो हिसाब से स्टॉक्स में जो रिएक्शन देखा हमने काफी अच्छा यहाँ पे देखा हुआ। बहुत इंपॉर्टेंटली अगर यहाँ पे देखेंगे तकरीबन एक दिग्गज कंपनी, वर्ल्ड वाइड काफी दिग्गज कंपनी, काफी रिच कंपनी हो चुकी है जहाँ पे 1 बिलियन रेवेन्यू इनका हिट हुआ है, तो मेरे ख्याल से काफी बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। दूसरा चीज मैं यहाँ पे कहूंगा कि अगर टेक्निकली अगर मैं यहाँ पे स्टॉक्स की बात करूँ तो 2390 एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, अगर ये कल के क्षेत्र में कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता तो मेरे ख्याल से एक ट्रेड रेंज यहाँ पे बन जाएगा तकरीबन 2600 रुपए तक के लिए एक छोटी अवधि में, तो काफी अच्छा यहाँ पे रुझान बन सकता है टीसीएस में बाय करने के लिए। जी तो बाइंग अपॉर्चुनिटी भी इसमें बनेगी और जो कंफ्यूजन था चेयरमैन पद को लेकर वो अब खत्म हुआ है, तो इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। इस वक्त फोनलाइन पर जी बिजनेस सेटअप मिहिर भट्ट भी हमारे साथ मौजूद है। मिहिर, अगर देखा जाए तो टाटा सन्स अपने आप में सबसे बड़ा डाइवर्सिफाइड ग्रुप है, ऐसे में आईटी बैकग्राउंड के एक शख्स का जिनका बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है उनको चेयरमैन पद के तौर पर नियुक्त किया गया है, चुनाव उनका किया गया है, अब उनके फोकस पॉइंट्स क्या रह सकते हैं? देखिए उनके लिए फोकस पॉइंट्स होंगे वो बिल्कुल क्लियर है। एक तो आप देखिए जो सबसे बड़ी चैलेंज उनके सामने है फिलहाल वो ये है कि इतना बड़ा टाटा एम्पायर, उसकी अब अगर अब सिर्फ लिस्टेड कंपनीज भी देखेंगे तो दे आर मोर देन 28, लेकिन इन सबके बावजूद जो प्रॉफिटेबल कंपनीज थी जहां से अच्छा बड़ा मुनाफा आ रहा था वो सिर्फ दो थी, टीसीएस और साथ ही इनके जेएलआर के ऑपरेशंस। तो सबसे पहले तो मिस्टर चंद्रशेखर के सामने जो बड़ी चैलेंज होगी वो यही होगी कि किस तरह से बाकी कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई जाए। एंड सेकेंडली देखिए जो विवाद था वो साइरस मिस्त्री और टाटा सन्स के बीच था, साइरस मिस्त्री की कार्यशैली को लेकर, लेकिन जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का व्यू था उसे अगर आप उस पर अगर आप गौर फरमाएं तो कई कंपनी ऐसी थी जहां पे उनकी स्ट्रेटेजी को एक्चुअली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने, इवन पीपल लाइक दीपक पारेख, दे हैव गिवन अ थम्स अप टू द स्ट्रेटेजी फॉलोड बाय मिस्टर साइरस मिस्त्री। तो अब ये सबसे बड़ी चैलेंज होगी मिस्टर चंद्रशेखरन के सामने कि वो बस एक जिसे कहते हैं पपेट के तौर पे ही शुड नॉट कम अक्रॉस ऑफ टाटा सन्स, उन्हें प्रॉफिटेबिलिटी पर तो ध्यान देना ही होगा क्योंकि आप यू नो व्हेन यू आर लिस्टेड तो आपकी जो सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी होती है, जवाबदेही होती है, वो होती है शेयर होल्डर्स के प्रति। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उनकी कई कंपनीज हैं सेल्स है या फिर टाटा स्टील, जहां पे साइरस मिस्त्री ने कई ऐसे कदम उठाए थे जो कि टाटा सन्स के लिए अच्छे नहीं थे या फिर उन्हें पसंद नहीं थे या फिर कुछ कदम ऐसे भी उठा रहे थे जो कि जिससे रतन टाटा खुद अग्री नहीं करते थे, लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट के लिए वो कदम जरूरी थे। तो आई थिंक जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा मिस्टर चंद्रशेखर के लिए वो ये होगा कि इन दोनों के बीच में बैलेंसिंग एक्ट कैसे किया जाए, यानी जो ग्रुप की फिलॉसफी है, मिस्टर रतन टाटा की फिलॉसफी है, उससे पूरी तरह डेविएट हुए बगैर कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे इंप्रूव की जाए
और कैसे और पिलर ऑफ स्ट्रेंथ क्रिएट किए जाएं, बिकॉज इस समय जो पूरा टाटा एम्पायर है उसमें जो दो सबसे मजबूत पिलर ऑफ स्ट्रेंथ हैं वो है इनका जैगुआर लैंड रोवर का ऑपरेशन और दूसरा TCS। लेकिन उसमें भी आप देखिए जो JLR फ्रंट है वहाँ फेसिंग चैलेंजेस, बिकॉज जो सबसे बड़ा मार्केट है JLR के लिए वो चाइना है। चाइना इज स्लिपिंग डाउन, चाइना इज स्लोइंग डाउन, तो उसे काउंटर करने के लिए इनको नए नए मार्केट्स तलाशने पड़ेंगे। US में उनका परफॉर्मेंस डेफिनेटली सुधरा है, बट इट्स अ वॉलेटाइल इकोनॉमी। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं इनके हाथ में फिलहाल, जो शायद उन्हें आने वाले कुछ समय तक बिजी रखेंगे। मीरा बने रहे हमारे साथ, इस वक्त केआर चौकसी के देविन चौकसी भी हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। सर सबसे पहले तो आपका रिएक्शन चाहेंगे, जो चुनाव है एन चंद्रशेखरन का बतौर चेयरमैन का, अब इसमें इस रेस में कई नाम शामिल थे, लेकिन नाम जिन्हें औपचारिक तौर पर अब चुना गया है और सर्वसम्मति से चुना है, आपका पहला रिएक्शन? मेरा ऐसा मानना है कि ये जो सिलेक्शन जो हुआ है वो काफी कंसिडरेशन के साथ में हुआ है। एक तो सबसे पहले आई थिंक टाटा ग्रुप के अंदर इतने सालों से चंद्रा जी ने काम किया है, तो उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा बनता है। दूसरी तरफ आई थिंक सबसे बड़ी कंपनी टाटा ग्रुप की जो TCS है उनकी टॉप लेवल पोजीशन के ऊपर वो बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज ऑल्सो गोइंग इन हिज फेवर। तीसरी चीज, ही इज अ प्रोफेशनल एंड ही हैज बीन मैनेजिंग बिजनेस प्रोफेशनली वेरी वेल, सो ऑब्वियसली आई थिंक टू प्रोवाइड एन अनबायस पोजिशन एट द चेयरमैन लेवल, दिस हैज गॉन वेरी वेल फॉर हिम ऑल्सो। एट द सेम टाइम उनका जो बिजनेस को देखने का नजरिया है, बिकॉज ऑफ जो IT के लेवल से आप बिजनेस को स्टडी करते हो और एनालाइज करते हो और मॉडर्नाइज करते हो, ये भी उनके लिए काफ़ी फेवरेबल रहा है, बिकॉज टाटा ग्रुप के अंदर लेगेसी बिजनेसेस काफ़ी है और उनको मॉडर्नाइज करना बहुत जरूरी बनता है। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए एंड एट द सेम टाइम आई थिंक उनकी जो यंग एज है इसके हिसाब से थिंक ही इज हैविंग अ लाइफ ऑफ अनदर 20-25 ईयर्स आई थिंक टू बी गिवन टू टाटा ग्रुप एट द चेयरमैन लेवल। तो वो सब फैक्टर को ध्यान में रख के आई थिंक जो आई थिंक सिलेक्शन किया गया है टाटा ग्रुप के चेयरमैन के नाम का अनाउंसमेंट हो चुका है। आपको लगता है कि चंद्रशेखरन का जिस तरह से नाम का चयन हुआ है, अब वो टाटा ग्रुप के उस लेगेसी को जिसके लिए हमेशा वो जाना जाता है वो आगे लेके जाएंगे इसको? केकी सर, लगता है केकी सर से संपर्क टूट गया, वापस से संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। देवेंद्र में एक सवाल होगा, जिस तरह से हमने देखा कि पूरा ये जिस तरह से पूरा घटनाक्रम दो महीने में चला, उसके बाद हमने देखा कि इन कंपनियों पे भी असर देखने को मिला। अब जिस तरह से ये चीज़ें शॉर्ट आउट हो गई हैं, बाजार हमेशा जो है किसी भी अनिश्चितता को पसंद नहीं करता है, अब आपको लगता है कि यहाँ से एक मौका होगा टाटा ग्रुप के शेयर में तेजी का, उनको आपको लगता है कि यहाँ से टाटा ग्रुप के शेयर का प्रदर्शन में एक सुधार देखने को मिलेगा, अब चीज़ें थोड़ी बेहतर होती हुई दिखेंगी? डी रेटिंग हुआ था टाटा ग्रुप के शेयरों के अंदर, वो डी रेटिंग यहाँ से अभी नहीं होएगा, ऑन द कंट्री थोड़ा बहुत री रेटिंग होने की संभावना पक्की है, क्योंकि जो तीन बड़े कारोबार है टाटा ग्रुप के अंदर TCS, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील, तो TCS और टाटा मोटर्स के अंदर आई थिंक डेफिनेटली आई थिंक एक री रेटिंग पहले होना जरूरी बनता है जी। टाटा स्टील के अंदर इनके इंडिविजुअल संजोगों के हिसाब से आई थिंक कंपनी को री रेटिंग भी जरूरी बनता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आई थिंक ओवरऑल री रेटिंग डेफिनेटली होगा, बट सिलेक्टिवली इंडिविजुअल कंपनी के साथ रहेगा। तो आई थिंक वन शुड नॉट बी टेकिंग ऑल द पोजीशन एट वन गो, बट मे बी आई थिंक इंडिविजुअल कंपनीज को ऊपर ध्यान देके उसके वैल्यूएशन को साथ में ध्यान में रख के आई थिंक वो कंपनी के ऊपर प्रेफरेंस रखना चाहिए। सर एक और बड़ा सवाल है, लगातार जिस तरह से इन चंद्रशेखरन को बनाया गया, TCS को उन्होंने एक जो है सबसे बड़ी IT कंपनी के रूप में बदला, कई सारे विपरीत माहौल में दिक्कतों के बावजूद जो है हमने देखा इस कंपनी जो ये एक ऐसी कंपनी बनी जो सबसे ज़्यादा इस ग्रुप में कैश को जनरेट करती है। अब जिस तरह से ये छोड़ के अब जाएंगे, टाटा ग्रुप को पूरी तरह संभालेंगे, TCS में आपको लगता है कि थोड़ी दिक्कतें बढ़ेंगी या उसके लिए थोड़ी चुनौतियाँ होंगी आने वाले दिनों में? मानता हूँ बिकॉज ही इज बिकमिंग एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ टाटा सन, so he will continue to hold the chairman position of TCS for sure, and जो TCS की जो chairman position पे रहते हैं तो naturally transition भी है वो काफी smooth रहेगा, क्योंकि जो भी नए person को MD CEO बनाएंगे उनको भी mentorship की जरूरत रहेगी, और I think by remaining executive chairman I think that mentorship can be easily provided। हमारे साथ Mr. KK मिस्त्री भी जुड़ गए हैं। Mr. Mithi, we want to know your first reaction, do you think that N. Chandrasekaran, who has been appointed as the chairman of Tata Sons, is the best suited person for this job? This is a call which the Tata Group has to take, but whatever I know of the group and whatever I know of Chandra, I think it's a fantastic choice, very, very good choice.
TCS runs TCS accounts for such a high proportion of the revenue, the profits of the Tata Group. And Chandra has taken the big hit over these last couple of years that he's really doing. Do you think that with his experience in TCS, he will become a great leader for the Tata Sons and he will earn back the reputation which they have lost in last 2-3 months? लगता है मिस्टर मिस्त्री के साथ हमारा कांटेक्ट खत्म हो गया है मेहर निश्चित तौर से और देवेंद्र भाई के साथ बने हुए हैं जिस तरह से हमने देखा है कि आज टीसीएस के नंबर्स भी देखने को मिले हैं देवेंद्र भाई और नंबर्स कमोबेश उम्मीद के मुताबिक देखने को मिले हैं जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि निश्चित रूप से वो टीसीएस की कमान को भी संभालेंगे उस पर भी ध्यान देंगे यहां से एक मौका होगा टाटा ग्रुप के शेयरों में जिसमें एक बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी है हालांकि वहां से रिकवरी देखने को मिले आपको लगता है एक मौका है टाटा ग्रुप के शेयरों में खरीदारी का जैसा कि आप बोल रहे हैं कि थोड़ी रेटिंग की भी संभावना है इंडिविजुअली ये तीन कंपनीज जो TCS टाटा मोटर्स और टाटा स्टील ये तीनों टीम के अंदर फंडामेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है और वो फंडामेंटल स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हैं तो डेफिनेटली आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी कंपनी के अंदर रहेगी ऑफकोर्स मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ कि मैनेजमेंट इज ऑलवेज टू बी लुक्ड एट बट एट द सेम टाइम आई थिंक इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस शुड बी गिवन मैक्सिमम कंसीडरेशन तो ये बिजनेस की स्ट्रेंथ अच्छी होने के साथ में आई थिंक ये कंपनियों के ऊपर मेरा ध्यान पॉजिटिव है मैं ऐसा समझता हूँ कि टाटा मोटर्स के लिए ध्यान सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहना है बिकॉज कमर्शियल व्हीकल के अंदर डोमेस्टिकली बड़ा ब्रेक थ्रू आ रहा है और एट द सेम टाइम आई थिंक JLR का पोर्टफोलियो जो है इज बिकमिंग वेरी रिमोट पोर्टफोलियो और वहाँ से वैल्यू ऑलमोस्ट होने की पूरी पूरी संभावना है आगे समय के अंदर तो आई थिंक आप जीवन जिस तरह से मैंने देखा है कि ठीक है अभी एक जो है अनसर्टिनिटी खत्म होती हुई दिखी है लेकिन अभी भी कानूनी विवाद खत्म नहीं हुआ वो NCLT में मामला चल रहा है आपको लगता है कि अगर आने वाले दिनों में इस तरह के ये विवाद थोड़ा बढ़ता भी है या कुछ फैसले आते हैं वो दिक्कत कर सकता है या आपको लगता है कि नहीं अब चीज़ें कानूनी विवाद अलग हो जाएगा और ये मामला पूरा अलग हो जाएगा और जिस तरह की लेगेसी रही है टाटा ग्रुप की वो चलती रहेगी मैं मानता हूँ कि ये सब चीज एक उनकी जगह पे सही है और वो चलती रहेगी उसमें ज्यादा कोई बदलाव नहीं आएगा वॉट एवर द लीगल बैटल हैव टू बी फॉट आई थिंक इट विल बी फॉट एट द ग्रुप लेवल आई डोंट थिंक दैट आई थिंक वन शुड बी अनड्यूली वरीड अबाउट दैट एस्पेक्ट तो सीधे तौर पर मानते हुए देवेंद्र भाई के बहुत ज्यादा दिक्कतें देखने को नहीं मिल सकती है अब ये एक और ये इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि टाटा ग्रुप के कंपनियों का जो है बाजार में या कहा जाए इंडेक्स में वेटेज ठीक ठाक है अब चूंकि चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो गई हैं तो कल ये हम मान के चले कि बाजार जो है एक थम्सअप करेगा और ओवरऑल बाजार में एक थोड़ी रैली देखने को मिल सकती है मैं कभी भी एक दिन का या दिन के हिसाब से कंपनियों को नहीं देखता हूँ बट फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक जब अनसर्टेंटी खत्म होती है और सर्टेंटी आती है तो मार्केट उसको हमेशा लाइक करता है और वो लाइकिंग के अंदर आई थिंक थोड़े भाव में अगर बदलाव आने की संभावना है तो पॉजिटिव रिएक्शन डेफिनेटली होना चाहिए तो ये शुक्रिया सर बिजनेस को समय देने के लिए तो ये देवेंद्र चौकसी जो बात करते हुए कि बहुत ज़्यादा अब चीज़ें अच्छी हो गई और अब यहाँ से हो सकता है कि टाटा ग्रुप के लिए जो है हालात थोड़े बेहतर हुए दिखते हुए बेहतर होते हुए दिखेंगे हमारे साथ जो है मिहिर भट्ट बने हुए हैं एडिटर इन चीफ जी बिजनेस मिहिर जिस तरह से हमने देखा है कि TCS के एक कैश जनरेटिंग सबसे ज़्यादा कंपनी थी सबसे ज़्यादा कैश इसी कंपनी ने टाटा ग्रुप में बहुत ज़्यादा हिस्सा एंड प्लीज जॉइन मी in congratulating Rajesh and NGS and the entire team at TCS, they're all here. Look forward to working with you to create more shareholder value. Thank you so much. आप सुन रहे थे कॉन्फ्रेंस कॉल में एन चंद्रशेखरन को जो चेयरमैन डेजिग्नेट हैं 21 फरवरी से उनको कार्यभार संभालना है कई चैलेंजेस होंगे उनके सामने लेकिन लीडरशिप क्वालिटीज के चलते और काफी लंबे समय से टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं इसके चलते उनका चुनाव हुआ है मनीष शेख का क्विक आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने जैसे खुद कहा कि मार्केट को अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं और अब एटलीस्ट ये चीज अब निवेशकों के लिए सामने है कि अब चेयरमैन पद पर कौन होगा ये अब निवेशक जानते हैं मार्केट इसको चेयर जरूर करेगा लेकिन अगर हम बात करें जो कॉर्पोरेट विवाद जो चल रहा है जो NCLT में है और आज भी हमने देखा कि साइरस मिस्त्री कैंप ने जो 6 महीने की जेल की सजा का
जो मांग की है, ये कॉर्पोरेट विवाद आप किस तरह से आगे बढ़ेगा? देखिए सीधे तौर पर जितने जानकारों से बात हुई है अब तक और जो अब तक चीजें निकल के सामने, उसमें है कि नहीं चीजें अब समान होनी शुरू होगी और कॉर्पोरेट विवाद धीरे धीरे सिमटता जाएगा। एक जैसा कि एक लीगल विंग होगा जो इस पूरे मामले को हो सकता है आने वाले दिनों में देखे। अब चूंकि एन चंद्रशेखरन टाटा ग्रुप के ही चेयरमैन है तो वो इस विवाद से अछूते रहेंगे, इसकी गुंजाइश बेहद कम है। तो विवाद चलता रहेगा लेकिन एक अनिश्चितता जो थी, अनसर्टेनिटी जो थी वो खत्म हुई है, उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट तो देखने को मिलेगा। मीन मेरा एक सवाल होगा, TCS जैसा कि है सबसे ज्यादा कैश जनरेट करती है ये कंपनी, अब आपको लगता है कि जब एन चंद्रशेखरन हटेंगे तो क्या TCS का परफॉर्मेंस वैसा ही देखने को मिलेगा या शॉर्ट टर्म में थोड़ा असर देखने को मिल सकता है? मीर लगता है उनसे भी संपर्क टूट गया है। राजेश जी, जिस तरह से हमने देखा है कि ये पूरा विवाद सामने आया, अब चूंकि कानूनी पहलू इसमें कई सारी चीजें और आप लगातार इन चीजों को देखते रहे हैं, आपको लगता है जो लगातार एक सवाल पूछा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर कोई मामला और बाहर निकलता है तो क्या ये दिक्कतें बढ़ेंगी या पूरी तरह से सब कुछ खत्म हो चुका है? बिल्कुल, मैं मनीष समझ रहा हूँ कि हमारे साथ आर चंद्रशेखर जो है नैसकॉम के प्रेसिडेंट है वो जुड़ चुके हैं। मिस्टर चंद्रशेखर, आपने एन चंद्रशेखर के साथ काफ़ी काम किया हुआ है, काफ़ी क्लोजली उनके साथ काम किया है, आपको क्या लगता है कि वो टाटा सन्स एक जो कि अभी तक IT कंपनी चला रहे थे, आप एक टाटा सन्स पूरे की ग्रुप कंपनी को चलाने में कितने कामयाब हो गए और उनका चुनाव कितना अच्छा है? मिस्टर आर चंद्रशेखर। हाँ जी सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप काफी क्लोजली देखे हैं और काफी क्लोजली जानते हैं मिस्टर एन चंद्रशेखर को, आपका क्या रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन एन चंद्रशेखर को टाटा सन्स के चेयरमैन बनाने पे? आई थिंक ये तो बहुत ही अच्छी बात है और इस वक्त टाटा सन्स ने एन चंद्रशेखरन जैसा व्यक्ति चेयरमैन बनना सारा ग्रुप के लिए अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने जो जिस काबिलियत से TCS का लीडरशिप किया था और उसका जो बिजनेस एक लेवल तक लाना, और ये भी एक समय में जब सारी दुनिया में कई तरह के इश्यूज और प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं, ये बड़ा ही काबिलियत से और बिल्कुल। मिस्टर चंद्रशेखर, हम आपके साथ ये भी जानना चाहें कि TCS से एन चंद्रशेखरन का हटना TCS के लिए कितना बड़ा झटका होगा, उसे कौन संभालेगा? देखिए, TCS ने अभी ऑलरेडी राजीव गोपीनाथन को CEO शायद अनाउंस किया गया है और TCS में बहुत सारे लीडरशिप मटेरियल है TCS में, उनका जो ऑपरेशंस हैं, बहुत सारे मिड लेवल मिडिल मैनेजमेंट एंड सीनियर मैनेजमेंट has been very strong. So, दूसरी बात यह है कि एन चंद्रा अभी चेयरमैन बनने के बाद, ये सही है कि TCS में उनका रोल शायद बहुत ही कम हो जाएगा और TCS के ऑपरेशंस में वो खुद तो दखल देना नहीं चाहेंगे। बट शुक्रिया सर अपना रिएक्शन हमारे साथ शेयर करने के लिए, और मनीष आपका भी शुक्रिया, साथ ही राजेश जी आपका भी शुक्रिया इस पूरी खबर पर तमाम अपडेट देने।